आज हमारे साथ हैं सुरेश चंद्रा जी, जो बाबा साहब को बहुत अच्छे से पढ़ा है और जन जन जाके उसके बाद जन प्रचार भी करते हैं। चंद्रा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया साहब। चंद्रा जी, एक बात बताइए, आज जो बाबा साहब के नाम पे अपनी पार्टियां बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, वो तो खैर अच्छी बात हो सकती है, लेकिन क्या लगता है आपको कि वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं या अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। जहाँ तक जो अभी आपने सवाल किया जी, सवाल बड़ा बेहतर है जी। जब मैं और पीछे जाऊँ तो पहले हमको ब्रह्मनिकल सिस्टम के लोगों ने जी जातियों में बांट दिया था जी, आज उन्होंने समाज को संगठनों में भी बांट दिया है जी। उन्हीं संगठनों में से जी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं और वो अपने को चमका ज़्यादा रहे हैं। बाबा साहब के सिद्धांत को पूरा करने में कहीं उनका किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं है। बाबा साहब ने तो ये भी कहा था जी, भले ये बात कहीं तक भी जाए जी, कि कांग्रेस के चार आने के भी सदस्य मत बनना, अपने वॉल्यूम में लिखा उन्होंने। अच्छा, और मैं नहीं कह रहा, वॉल्यूम पढ़ो जी। और दूसरे उससे भी बड़ी बात एक कहना चाहता हूँ कि बाबा साहिब का फोटोग्राफ, बाबा साहिब के लिखे हुए वॉल्यूम, बाबा साहिब के द्वारा लिखी हुई अन्य किताबें, बाबा साहिब के ऊपर लिखी हुई किताबें भी इस देश में 1984 और 89 से पहले भी थी जी। लेकिन बाबा साहिब का नाम लेने वाले लोग इस देश में इतने नहीं थे, कुछ चालाक लोग जैसे आज भी चालाक लोग इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने बाबा साहिब के नाम पर साल ओढ़ी, अपने गुलदस्ते भी लिए, लेकिन बाबा साहिब का फोटो इन्होंने नहीं लगाया मंच पर जी। जो नितांत आवश्यक था उनको, कम से कम उनको पहले सम्मान दे करके तब मैं सम्मान हासिल करूं जी। तो ठीक जो अभी मैंने कहा कि ये लोग जो चालाक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग पहले भी और आज भी कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के गले में माला डालते हैं और फिर 364 दिन के लिए सो जाते हैं। बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं जी, वो नहीं जी। अभी जिक्र किया और फिर मैं उस बात को भी कह देना चाहता हूँ कि बाबा साहब को सही मायने में इस देश में तो चले क्या, संसार स्तर पर भी अगर परिभाषित किया है जी, तो रेस्पेक्टेड कांशीराम साहब रहे हैं जी, जिनकी बदौलत आज हम बाबा साहेब को जाने हैं जी। नहीं तो हमारे इलाके में कभी कोई आता था और जय भीम बोलता था तो बड़ा अजीबोगरीब लगता था। हम बोले वो राम राम तो बोलता नहीं, क्या बोलता है, लेकिन आज जब हम समझ गए हैं वो धन्य रहे हैं लोग जिन्होंने हमें भी जय भीम करना सिखा दिया। We'll be right back.